Hello friends, good morning. Friends, today I am going to explain you a poem, Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton was born in 1568 and died in 1639. This poem is very important. Friends, इस ये जो poem है, Character of Happy Life, इसमें poet बताते हैं कि सही अर्थों में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो happy है. यह हैप्पी व्यक्ति के जीवन को एक्सप्लेन करती है. वॉटन के अनुसार रियलिटी में वही व्यक्ति हैप्पी है जो सेल्फ डिपेंडेंट है और ऑनेस्ट है, ट्रू है, और वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है. वो मृत्यु से नहीं डरता है और किसी भी प्रकार के र्यूमर्स की कोई परवाह नहीं करता, और सेल्फ सेंटर्ड है और अपनी आत्मा की वॉइस को ही सुनता है. वो ईश्वर में विश्वास करता है, अच्छी पुस्तकें या अच्छे लोगों की संगत में रहता है और अपना टाइम स्पेंड करता है. भले ही उसके पास वर्ल्डली पावर, वर्ल्डली जो है संपदा या धन दौलत नहीं है, फिर भी उसके पास सब कुछ है और वह स्वयं में हैप्पी रहता है. ये जो पोएम है, इसमें कवि सुखी जीवन का रहस्य बताता है कि कौन सा व्यक्ति है जो सुखी है. How happy is he born or taught? How happy, वह कितना सुखी है, कितना सुखी है वह जो जन्म से या शिक्षा से. That's a not another's will, जो किसी दूसरे की इच्छाओं की सेवा ना करता हो, मतलब किसी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चलता है. वह स्वयं अपनी मर्जी का मालिक है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार वह चलता है. Whose armor is his honest thought? जिसका कवच, whose armor, armor means कवच होता है, जिसका कवच is his honest thought, जिसकी ईमानदारी भरे विचार ही उसकी सुरक्षा कवच है. And simple truth, और साधारण सत्य, his utmost skill, उसकी utmost means सर्वोत्तम, skill means कुशलता, ability. साधारण सत्य ही जिसकी कुशलता और योग्यता है. जो व्यक्ति, मतलब इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों की इच्छा के अनुसार आचरण नहीं करता है, और जो अपने ही ईमानदार, जो ईमानदारी भरे विचारों से चलता है और किसी दूसरे के दबाव में नहीं रहता है, साधारण सत्य पर वह डिपेंड रहता है, मतलब सिंपल ट्रूथ उसकी लाइफ में है, वह व्यक्ति सुखी है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार के प्रेशर में नहीं रहता है. उसके अंदर ये जो क्वालिटी हैं, ये सब एक ये ईश्वरीय गुण हैं, इस प्रकार से जो उसे जीवन व्यतीत करने में मदद करते हैं. हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी भावनाएं, पैशंस मतलब जो इच्छाएं हैं उसकी, क्रोध की, प्रेम की या नफ़रत की, नॉट हिज मास्टर्स, उसके मालिक नहीं हैं. मतलब वह अपने क्रोध के आवेग में, प्रेम के आवेग में या नफ़रत के आवेग में आकर के कोई निर्णय नहीं लेता है. ये सारी भावनाएं उसकी मालिक नहीं, मतलब वह स्वयं विजय प्राप्त कर चुका है इन सब चीज़ों पर. हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जिसकी आत्मा हमेशा तैयार रहती है मृत्यु के लिए, जो कि अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है कि क्रोध में आकर के कुछ कर दे या खुश होकर के या घृणा की में आकर के कुछ कर दे, ऐसा नहीं है, और जो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है. अनटाइड अन टू द वर्ल्ड विथ केयर, और जो इस संसार से, जो संसार की परवाह नहीं करता. अनटाइड अन टू द वर्ल्ड विथ केयर, मतलब लोगों की कोई परवाह नहीं करता. ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, और उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती कि कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति के प्रेम की, मतलब यदि कोई व्यक्ति उसे प्रेम करता है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. और वल्गर ब्रीथ, या लोग उसकी निंदा करते हैं तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह इन सब चीज़ों से बिल्कुल मुक्त है, वही व्यक्ति सुखी है.
सुखी व्यक्ति के लक्षण पोएट बताते हैं कि कौन सा व्यक्ति है जो सुखी है, जो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है, जो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, जो किसी भी की संसार में किसी की परवाह नहीं करता, चाहे उसे कोई प्रेम करे या कोई उसकी निंदा करे, वह हमेशा क्या रहता है, सम रहता है, इक्वल रहता है, वही व्यक्ति सुखी है। चलिए अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, जिसने हु हैथ मीन्स हैज, जिसने अपने जीवन को र्यूमर्स से अफवाहों से बिल्कुल मुक्त रखा है, जिसे अफवाहों की कोई परवाह नहीं है, उसके बारे में कोई कुछ भी कहे, अच्छा बुरा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह मुक्त है इन सब चीज़ों से। हुज कॉन्सियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसकी कॉन्सियंस मीन्स होता है अंतःकरण। हुज कॉन्सियंस, जिसकी अंतःकरण चेतना, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी सरल स्थली है, जिसका अंतःकरण ही उसकी सरल स्थली है, मतलब वह सेल्फ सेंटर्ड है, अपने आप में केंद्रित रहता है, किसी प्रकार के र्यूमर्स का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अपने आप में स्थिर रहता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, जिसकी स्थिति ऐसी है कि वह ना तो किसी की चापलूसी पर, उसे किसी की चापलूसी की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई चापलूस लोग उसकी तारीफ करे तो वह खुश होगा, ऐसी बात नहीं है, नॉर रुइन मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, और ना ही किसी भी, मतलब उसकी यदि कोई को नुकसान हो जाए किसी प्रकार का, बहुत ही उसको नुकसान झेलना पड़े, तो तभी भी वह दुखी नहीं होता, ना ही उसे किसी चापलूस की चापलूसी की आवश्यकता है, और ना ही उसका नुकसान होने पर, रुइन होने पर, उसका डिस्ट्रक्शन होने पर वह परेशान होता है। सो दैट ऑपरेशर्स ग्रेट, कि जो उसको नुकसान पहुंचाता है वह पर्सन, क्रूअल पर्सन, हु ट्राई टू कीप डाउन, जो कि उसको गिराने का प्रयास करता है, वह अपने आप को हैप्पी हो सके, वह खुश हो सके, ऐसा वो नहीं करता है कि उसको नाश करने वाला, उसका नुकसान पहुंचाने वाला खुश हो सके। हु एनवी नन होम चांस टू राइज, वह व्यक्ति जो हु एनवीज नन होम चांस टू थ्रीज, वह व्यक्ति किसी भी से एनवी ईर्ष्या नहीं करता, वह ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का नहीं होता है, किसी से वह ईर्ष्या नहीं करता है। होम चांस टू रेज, मतलब जो कि संयोग बस ऊपर उठ गया है, मतलब अपने कंडीशन, जो उसकी परिस्थिति है, उससे और अधिक उसे धन संपदा प्राप्त हो गई है, ऐसे व्यक्ति को देख करके वह व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता है, जो हैप्पी रहता है। नॉर वाइश हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड आर गिवन विथ प्रेज, उसके अंदर किसी भी प्रकार के दुर्गुण नहीं, नॉर वाइस, उसमें किसी भी प्रकार का दुर्गुण नहीं होता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी भी यह नहीं समझ पाता है, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, कि किसी भी, मतलब किस प्रकार से किसी को डीपेस्ट वाउंड, गहरा घाव दिया जा सकता है प्रेज करके, मतलब किसी की प्रशंसा करके उसको कैसा घाव दिया जा, गहरा घाव दिया सकता है, वह इस बात को नहीं समझता है, मतलब किसी पे कमेंट करना वह नहीं जानता है जिससे कोई हर्ट हो सके। नॉर रूल ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह किसी भी प्रकार के नियमों को नहीं जानता है, बस केवल एक ही नियम को जानता है, रूल्स ऑफ गुड, अच्छाई के नियम को वह जानता है, और अन्य किसी भी प्रकार के नियम को वह नहीं जानता है। हु गॉड डू लेट एंड अर्ली प्री, ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो मतलब प्रसन्न व्यक्ति होता है, जो सुखी भी जीवन व्यतीत करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि हमेशा लेट एंड अर्ली, मतलब हर समय वह प्रे करता रहता है, ईश्वर की प्रार्थना करता रहता है, मतलब हर बात पे ईश्वर को धन्यवाद देता रहता है, ऐसा व्यक्ति संतुष्ट रहता है, हर परिस्थिति में वह ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर को धन्यवाद देता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, वह ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर को धन्यवाद देता है उसकी कृपा पाने के लिए, उससे सिर्फ उसकी कृपा पाने के लिए, ईश्वर की करुणा पाने के लिए, ना ही किसी प्रकार के गिफ्ट की उसको
आवश्यकता होती है, मतलब वो ये नहीं चाहता है कि वह ईश्वर की प्रार्थना करे तो किसी प्रकार का उसे गिफ्ट मिले। सांसारिक चीज़ों के लिए वह ईश्वर को नहीं याद करता, बल्कि ईश्वर की करुणा के लिए उसे याद करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, ऐसा व्यक्ति जो होता है वह इंटरटेनमेंट भी करता है, मनोरंजन करता है, तो हार्मलेस मतलब किसी की निंदा करके वह अपने मनोरंजन नहीं करता है, निंदा रस में वह नहीं डूबा रहता है, उसका दिन बिल्कुल बिना किसी को हार्म पहुंचाए हार्मलेस व्यतीत होता है। वह बहुत ही जीवन इस प्रकार से अपना मनोरंजन करता है, ऐसा जीवन व्यतीत करता है जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है और निर्मल उसका मनोरंजन होता है। विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, और वह जो है अपना दिन ऐसे व्यतीत करता है, अच्छी किताबों के साथ, अच्छे मित्रों के साथ अपना समय बिताता है, ना कि किसी प्रकार की निंदा करके किसी को कष्ट पहुंचा के वह अपना समय व्यतीत नहीं करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, ऐसा जो व्यक्ति होता है वह सभी प्रकार के दासता के बंधनों से मुक्त होता है, वह स्वयं में स्थित होता है और होप्स टू राइज, उसके अंदर किसी प्रकार की ऐसी आशा नहीं होती है कि वह ऊंचा उठे, मतलब जीवन में उपलब्धियां तो प्राप्त करता ही, लेकिन उसे किसी चीज़ की चाहत नहीं होती है कि उसे उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करें, ऐसा वो नहीं सोचता है, और फियर टू फॉल, और ना ही उसे गिरने का डर रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड, यदि उसके पास धन दौलत जमीन जायदाद तो नहीं होता है, लेकिन वह स्वयं अपना मालिक होता है, एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ भी नहीं होता, मतलब वर्ल्डली जो सक्सेस है ऐसा उसके पास नहीं होता है, लेकिन फिर भी ही है ताल, उसके पास सब कुछ है, भले ही सांसारिक रूप से वह धन संपत्ति उसके पास नहीं है, लेकिन वास्तव में वह धनवान है, वह हृदय से धनवान है, निर्धन होते हुए भी वह हृदय से धनवान है, और उसमें आत्मसम्मान और होता है, और उसका दृष्टिकोण स्वतंत्र है। ऐसा व्यक्ति दुनिया में सुखी है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। तो इस प्रकार से पोएम खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।